जो छीना गया है उसमें बराबर का रोल कांग्रेस पार्टी का बीजेपी आरएसएस के साथ रहा है। कुछ भी कहे, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया कि राम मंदिर हमारे देश के हर व्यक्ति का है। मैं उन शब्दों को बोलना पाप समझता हूँ, ये सजा कांग्रेस को मिलनी चाहिए। उल्टा सिंह ने वहां पर शिलान्यास किया तो ये बात कमलनाथ ने साबित कर दिया कि बाबरी मस्जिद को जो छीना गया है उसमें बराबर का रोल कांग्रेस पार्टी का बीजेपी आरएसएस के साथ रहा है। तो 48-49 से 6 दिसंबर 1992 तक बराबर कांग्रेस का रोल रहा इसमें, डिमोलिशन में और इसको काम करने में। 6 दिसंबर के दिन बीजेपी विश्व हिंदू परिषद आरएसएस ने सुप्रीम कोर्ट को ये वादा किया, गलत बोला, झूठ बोला कि वहां पर कुछ नहीं किया जाएगा बाबरी मस्जिद को। बाबरी मस्जिद को उसके बाद डिमोलिशन कर दिया गया। तो ये सच्चाई है और इसमें बराबर कांग्रेस का और बीजेपी आरएसएस का रोल रहा है। मैं तो ये पूछना चाहूंगा कांग्रेस के नेताओं से कि क्या आप लोग क्यों सेकुलरिज्म का एक झूठा चेहरा जनता के सामने हमेशा पेश करते आ रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा राहुल गांधी से कि क्या आपके वालिद जब देश के प्रधानमंत्री थे तो क्या उन्होंने बाबरी मस्जिद के ताले खुलाए थे, नहीं खुलाए थे? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के तमाम लीडर से जो अपने आप को बड़ा सेकुलर और लिबरल कहते हैं, बल्कि अंदर से जितना नफरत उनके दिलों में है हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर दोनों चलते हैं, तो हम उम्मीद करेंगे देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी को भी अपने साथ में लेके जाएं, क्योंकि जो काम उनके वालिद ने शुरू किया उसको मोदी जी मुकम्मल कर रहे हैं। तो देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि अपने साथ राहुल गांधी को भी लेके जाए, ये अच्छा रहेगा, राम और श्याम की जोड़ी रहेगी। तो इन दोनों को, प्रधानमंत्री को हम चाहिए कि, क्योंकि प्रधानमंत्री की पार्टी आरएसएस ने भी पूरा बराबर का हिस्सा अदा किया। अब आप बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बिल्कुल मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुसलमानों ने मंदिर नहीं तोड़ी थी, और हैरत की बात यह है कि वो क्रिमिनल ट्रायल में किसी को सजा नहीं हुई। तो आपने राम मंदिर पर बयान दिया था, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि आपके बयान से सिद्ध हो गया है कि बाबरी मस्जिद की जो शहादत है उसमें जितना हाथ कांग्रेस का आरएसएस का उतना ही आपकी पार्टी कांग्रेस का भी। कोई कुछ भी कहे, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया कि राम मंदिर हमारे देश के हर व्यक्ति का है। रविशंकर प्रसाद आए थे, वो दावा कर रहे हैं कि आप हार सकते हैं छिंदवाड़ा से चुनाव। सर वो कुछ भी कहते रहे, वो रविशंकर प्रसाद पहले खुद तो कहीं से चुनाव जीत के बताएं। कांग्रेस बौखला गई है, उस बौखलाहट में एक और गलती कर गई है। एक प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव, जिसके कैबिनेट मंत्री कमलनाथ थे, जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन्हें शपथ पत्र देकर राम के अस्तित्व को नकारा था, राम सेतु के अस्तित्व को मानव निर्मित नहीं माना था। एक हमारे प्रधानमंत्री हैं जो राम जन्मभूमि न्यास के आमंत्रण पर गौरवान्वित महसूस करते हैं और देश और दुनिया को ट्वीट करके बताते हैं। मुझे लगता है अब पानी पीटने से काम नहीं चलेगा। कांग्रेस के नेताओं ने जितनी अभद्र और गिरी हुई भाषा के शब्द राम जन्मभूमि के लिए उपयोग किए हैं, मैं उन शब्दों को बोलना पाप समझता हूं, ये सजा कांग्रेस को मिलनी चाहिए। तो कितनी उम्मीदें हैं सर मध्य प्रदेश चुनाव में आप लोगों को? 2003-2023 में दोहराएगा।